आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। राजनीति में सत्ता तक पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन उस सत्ता की चाबी किसे सौंपी जाए ये उससे बड़ी चुनौती। कर्नाटक में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल कर ली, लेकिन इसने पार्टी के भीतर आशा और आत्मविश्वास भरा, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले कई चुनावों से पार्टियों के बीच बंटी कर्नाटक की जातियों की जकड़बंदी टूटी है और प्रदेश में सभी हिस्सों में कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी पर भारी रहा है। कर्नाटक के नतीजों को 2024 के लिहाज से किस तरह देखा जाना चाहिए, आज इसकी भी चर्चा करेंगे। मगर अभी मामला थोड़ा फंसा हुआ है मुख्यमंत्री चुनने को लेकर के। इसके जो दो बड़े दावेदार हैं कर्नाटक में, वो एक तरफ हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जिनके हाथ में चुनाव की कमान थी, उनको संकट मोचक माना जाता है, डीके शिवकुमार, और दूसरी तरफ हैं सिद्धरमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको एक बड़े जनाधार का नेता कर्नाटक में माना जाता है। तो डीके शिवकुमार सिद्धरमैया के बीच में यह टकराव है और कुर्सी मुख्यमंत्री की किसको सौंपी जाए यह बाजी अभी चल रही है, अभी तक फैसला नहीं है, ऐलान नहीं है, इसलिए दोनों के बीच यह मामला चलता है। ऐसे वक्त के लिए गालिब कहते हैं कि बाजी चाहे अतफाल है, मैं कहता हूँ बाजी चाहे होशियार है, दुनिया मेरे आगे होता है शबरोज तमाशा मेरे आगे। ये बंगलुरु से दिल्ली तक का जो तमाशा है, ये जो मंथन है, ये लगातार बैठकों का दौर है, इसमें सिर्फ यही तय नहीं हो पा रहा है कि सिद्धरमैया या डीके शिवकुमार। सिद्धरमैया के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि उनके पास 5 साल सरकार चलाने का अनुभव है और जनाधार के बड़े नेता हैं। डीके शिवकुमार संकट मोचक हैं, इस बार की जीत पूरी तरह से उनकी है और कर्नाटक में आज की तारीख में वो बहुत बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बेहिसाब बढ़ी है इस जीत के बाद। अब सवाल ये है कि इन दोनों नेताओं के बीच जो स्थितियां हैं, किसको कमान दी जाए और किसको मना लिया जाए, यह बात थोड़ी सी कांग्रेस के लिए परेशानी पैदा किए है। ये जो आंकड़ा है, ये विधानसभा में दलों की स्थितियां हैं, नतीजे चुनाव नतीजे इस बार के हैं। बीजेपी जो इस बार बाजी गंवा बैठी, उसके बाद कांग्रेस, जेडीएस और अन्य, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि सिद्धरमैया डीके शिवकुमार इन दोनों के बीच में दोनों की ताकतें क्या हैं। डीके शिवकुमार 12 बार चुनाव लड़े, 9 बार जीते, 8 बार चुनाव लड़के, आप यूं मानिए जो पहला चुनाव डीके शिवकुमार ने लड़ा उसके बाद से कोई चुनाव वो हारे नहीं, यहाँ तक कि देवेगौड़ा जैसे बड़े कद्दावर नेता को उन्होंने हराया, कुमार स्वामी जो उनके बेटे हैं उनको हराया, कुमार स्वामी की बीवी को हराया, तो इस लिहाज से वो बहुत बड़े नेता हैं कर्नाटक के और आज की तारीख में कांग्रेस की जीत के बाद से उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डीके शिवकुमार के अलावा सिद्धरमैया चूंकि वो कुर्बा समुदाय से आते हैं, ओबीसी जातियों के बीच से कुर्बा जाति है जिसकी 7% के आसपास तादाद है वहाँ, और इसके अलावा जो सिद्धरमैया की ताकत है वो ये है कि ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, इन तीनों तबकों में उनकी अपनी पकड़ बड़ी है। तो ये सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिवकुमार की जो लड़ाई है वो दिल्ली में है, दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा और इन बैठकों के जरिए जो बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें पर्यवेक्षक भी गए, उन्होंने बैठकें की, 4-5 घंटे की बैठक हुई, उसके बाद सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग कराई गई और दिल्ली में दिन भर आज मंथन चलता रहा, उसमें वो तमाम पर्यवेक्षक जिनको कर्नाटक के लिए तय किया गया है और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी थे, और इन बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। सिद्धरमैया को बुलाया गया, वो सिद्धरमैया आ गए हैं,
दिल्ली में हैं, लेकिन डीके शुक्मार को भी बुलाया गया था। डीके शुक्मार ने कहा कि मुझे पेट में इन्फेक्शन है, इसलिए मैं आ नहीं सकता हूं। डीके शुक्मार का नहीं आना अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। डीके शुक्मार बेंगलुरु में हैं, सिद्धरमैया दिल्ली में हैं, कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी जितने कर्नाटक के हैं, यह सब लोग आपस में मशवरा कर रहे हैं किसके नाम पर मुहर लगाई जाए। क्योंकि सिद्धरमैया का कद, जो पुराना अनुभव उनका है और कर्नाटक के भीतर जनाधार है, उस लिहाज से बड़ा है। विधायकों ने अपनी राय अगर बना भी ली है तो फैसला आलाकमान करेगा, ये दोनों कह रहे हैं। दोनों ये कह रहे हैं कि विधायकों की राय अपनी जगह है, लेकिन जैसे सिद्धरमैया, उन्होंने अपनी तरफ से अपना दावा कल जाहिर कर दिया था। आज जब डीके शुक्मार से पूछा गया कि क्या स्थिति है, जब वो दावा कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई भी विधायक नहीं है, जितने विधायक 135 हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज दिल्ली में कई दफ़ा बैठक होती रही। रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं कर्नाटक के, संगठन मंत्री केशव वेणुगोपाल, जो पर्यवेक्षक वहाँ के तय किए गए, सुशील कुमार शिंदे, भंवर जितेंद्र सिंह, दीपक बावरिया, ये सब लोग इस बात पर माथापच्ची करते रहे कि विधायकों की जो राय है, जो सिद्धरमैया का कद है और जो कंट्रीब्यूशन है डीके शुक्मार का, उस लिहाज से किस नाम पर सहमति बनाई जाए। बहुत मुमकिन है कि कल नाम ऐलान कर दिया जाएगा। शुक्मार ने अपना, आज डीके शुक्मार अगर नहीं आए हैं, उन्होंने अपना मामला कैंसिल कर दिया आने का, तो इसको समझ सकते हैं आप कि डीके शुक्मार इस बात के लिए लगातार कोशिश करते रहे कि मुख्यमंत्री कुर्सी उनको मिलनी चाहिए। ताकत उन्होंने पूरी लगाई, वो जेल भी गए, और जेल में जब सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए गई थी तो उन्होंने कहा था कि कर्नाटक जीत करके मैं आपको दूंगा। अब आप यूँ समझिए कि डीके शुक्मार कर्नाटक में जितने लोगों से आप बात करेंगे, उनका कहना है कि जीत इस आदमी की मेहनत, इसकी रणनीति और इसने जो कोशिशें की कर्नाटक के भीतर बीजेपी की काट पैदा करने की, उसका नतीजा है। सिद्धरमैया चूँकि खड़गे साहब के वो बहुत ही करीबी हैं और उनकी पहल पर ही वो कांग्रेस के भीतर आए थे जेडीएस से, इसलिए उनके पास एक तो आलाकमान का समर्थन है यानी खड़गे साहब का, और दूसरा कि कर्नाटक के भीतर जो दूसरी जातियां हैं, मैंने जब पहले कहा कि शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और उनकी अपनी जाति कुर्बा, उनके भीतर भी जनाधार है, वो समूचे कर्नाटक में ठीक ठाक जनाधार रखने वाले नेता हैं। इन दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच में कल जो नारेबाजी हुई, वो नारेबाजी आप यूँ मान सकते हैं कि बिना दोनों तरफ से खुली छूट मिले या इशारा मिले नहीं हुई होगी, और यह नारेबाजी बता रही है कि दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि मेरा जो कैंडिडेट है, मेरा जो नेता है, वो मुख्यमंत्री बन जाए। आप इस नारेबाजी को सुनिए। मैं और बनेंगे, समझ गया, सीएम साहब बनेंगे डीके शिवकुमार, जो बलिदान कर्नाटक के लिए दिया है, बहुत बलिदान दिया है कर्नाटक के लिए, 1 से 3 बार जेल गए हैं, ईडी का केस सहे हैं, समझ गया ना, और दोनों को जोड़कर हमारा जो सीएसएल कांग्रेस आ गए, केपीसीसी प्रेसिडेंट कौन है ना, डीके शिवकुमार सीएम इतिहास है, और जो भी सीएलपी लीडर और हमारे डीके शिवकुमार सर, दो भी मिल के चल के 135 सीट लेके आए, पूरे बहुमत से लेके आए हैं, समझ गया बात, नफरत की बाजार बंद कर दिए है, नफरत की मोहब्बत की दुकानें खोले हैं। अभी सर सिद्धरामैया भी जी है यहाँ पे, परमेश्वर भी, दो नाम है, तो कैसा आपको लगता है कि क्या? सर नाम कितने भी हो, हाईकमांड को हम पे भरोसा है, ये सब मोहब्बत है, डीके शिवकुमार की मोहब्बत है, कांग्रेस की मोहब्बत है। नफरत की बाजार में अगर मोहब्बत कोई बांटा है तो राहुल गांधी ने बांटा। नफरत के बाजार में मोहब्बत हमने सजाई है, ये राहुल गांधी कहते हैं। मेरे साथ कर्नाटक के हालात पर डीके शुक्मार या सिद्धरमैया बात करने के लिए, वहाँ के हालात को समझने के लिए, कांग्रेस के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने के लिए, देश के दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रदीप सिंह और अभय कुमार दुबे। आप दोनों को हिंदुस्तान की राजनीति की बारीक समझ है, और आप जानते हैं कि पार्टियों के भीतर या सत्ता सरकार बनाने के लिए जो कुछ भी चल रहा होता है उसके मायने क्या होते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। अभय जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी। पहला सवाल प्रदीप जी मेरा आपसे है, डीके शुक्मार का बेंगलोर से नहीं आना और ये कहना कि मुझे इन्फेक्शन है, मैं आज नहीं आ सकता हूँ, और सिद्धरमैया का दिल्ली में बैठा हुआ होना, और खड़गे साहब के जरिए बैठकों का लगातार किया जाना,
इन सब चीजों से संकेत मिल रहे हो, क्या है? नहीं देखिए, ये तो संकेत चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी इस तरह के बड़े स्पष्ट थे कि पार्टी सिद्धरमैया के साथ जाना चाहती है, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहती है। वो जनाधार वाले नेता है, जन नेता वो है कांग्रेस पार्टी के। डीके शिव कुमार के पास जो है अपना वोकल या जो समुदाय है उसका वोट है, और डीके शिव कुमार बहुत अच्छे मैनेजर है, पोलिटिकल मैनेजर है। वो उस तरह से मास लीडर नहीं है जिस तरह से सिद्धरमैया। और इसके अलावा सिद्धरमैया का ये आखिरी क्योंकि चुनाव है, उन्होंने कहा कि इसके बाद रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे कोई शक नहीं लग रहा है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिवकुमार के बारे में पार्टी को पता है कि जिस तरह की लॉयल्टी है उनकी पार्टी के प्रति, वो कोई दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया या हेमंत बिस्व शर्मा नहीं बनेंगे। तो इस लेकिन सवाल ये होगा कि उनको कैसे मनाया जाएगा जो परिस्थिति है उसके लिए। मुझे लगता है कि उनको संकेत मिल चुका है कि सिद्धरमैया जो है वो होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। तो डीके शिवकुमार राजस्थान जैसे सचिन पायलट न बने, इसके लिए इसके बारे में जो है पार्टी हाईकमान को सोचना पड़ेगा, और जो भी वादा करें ये सोच कर करना पड़ेगा कि उसको हम इम्प्लीमेंट करने, उसको लागू कराने की स्थिति में है या होंगे या नहीं, क्योंकि विश्वसनीयता जो है पार्टी हाईकमान की वो दांव पर है। इससे पहले जो वादे किए वो निभाए नहीं, तो इसलिए जो पिछला रिकॉर्ड है उसको देखते हुए डीके शिवकुमार के मन में अगर शंका हो कि ये जबानी जमा कर से जो है कुछ होने वाला नहीं है, तो कोई आश्चर्य नहीं। जी अभय जी, ये मैं मान लेता हूँ कि डीके शिवकुमार बहुत अच्छे मैनेजर हैं और सिद्धरमैया के पास जनाधार है, परिपक्व नेता हैं। डीके शिवकुमार ने जितनी मेहनत की है, जितनी ताकत लगाई है, खून पसीना लगाया है, और मान करके चलते हैं वो कि ये जीत जो है उन्होंने ही कांग्रेस की झोली में डाल रखी है। राजनीति में कहते ये हैं कि एक बार बाजी आपके हाथ में आ जाए और निकल जाए तो फिर दोबारा कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुर्सी सामने हो और उसके बाद बैठने का मौका ना मिले, क्या डीके शिवकुमार यह मौका चूकेंगे, छोड़ेंगे? देखिए, मैं प्रदीप जी के इस राय से सहमत हूं कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। खबर मिली थी कि एक 135 विधायकों से एक पेटी में पर्चियां भी पढ़वाई गई, और उस पर्चियों को भी जब निकाला गया तो उसमें पाया गया कि सिद्धरमैया के साथ में शिव कुमार के मुकाबले बहुत ज्यादा विधायक हैं। मेरे पास उस खबर की पुष्टि करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन ये खबर मैंने सुनी भी है और देखी भी खबर है। तो इस हालत इस सीरीज में लगता है कि बाजी जो है वो सिद्धरमैया के पक्ष में है इस वक्त। जहाँ तक डीके शिवकुमार का सवाल है, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान और अभी भी उनको कोई ना कोई पक्का आश्वासन दिया जा रहा होगा, और वो आश्वासन उस किस्म का नहीं होगा जिसके बारे में चर्चा की जाती है कि छत्तीसगढ़ में जूदेव को दिया गया था या राजस्थान में सचिन पायलट को दिया गया था। वो ज्यादा पक्का आश्वासन होगा, ज्यादा सिक्काबंद आश्वासन होगा, जिसमें उन्हें बताया गया होगा कि आप अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगर आप इस बात को मान जाएं तो फिर आपको उसके बदले में क्या मिलेगा और आपके कितने लोग मंत्रिमंडल में होंगे। ये सब बातें बहुत राजनीति में महत्व रखती हैं। राजनीति में सभी लोग कोशिश करते हैं कि उन्हें सर्वोच्च पद प्राप्त हो, लेकिन जब सर्वोच्च पद प्राप्त होते हुए नहीं दिखता तब फिर वो सोचते हैं कि उनकी निकटतम जीत कैसे हो, पूरी जीत ना हो पाए तो कम से कम निकटतम जीत उनकी कैसे हो। तो मुझे लगता है कि इस वक्त डीके शिवकुमार जब उन्होंने देख लिया है कि सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो निकटतम जीत हासिल करने के लिए पेशबंदी अब कर रहे होंगे, और उनकी उस पेशबंदी को आला कमान कमोबेश मान लेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी अभय जी को लगता ये है कि अगर हमको कुर्सी नहीं मिलती है तो उससे नज़दीक की जो बड़ी कामयाबी है या जो बड़ा कुछ है वो मेरे हिस्से में कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, यह जो कवायद है ये हो सकती है डीके शिवकुमार की तरफ से, और इस तरह का हिसाब किताब भी बिठाया जा सकता है। लेकिन एक बात प्रदीप जी समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 2018 में चले जाते हैं, सचिन पायलट इसी तरीके से राजस्थान में थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और वसुंधरा राजे सरकार को वहाँ से टॉपल करके कांग्रेस की झोली में उन्होंने जीत दिलवाई, और उनको किसी तरीके से कन्विंस कर दिया गया कि आप पार्टी के भीतर रहिए, आपको एक मुफीद मुनासिब सी जगह दी जाएगी, उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। लेकिन गहलोत साहब जो कुर्सी पर बैठ गए उसके बाद से कहीं कोई गुंजाइश उनके लिए बनी नहीं, और आज देखिए वो लगभग बागी हो चुके हैं, और उनकी जो यात्राएं हैं या फिर इसके बाद आंदोलन करने की जो
धमकी है, कमोबेश वो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। क्या डीके शिवकुमार ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मेरा हश्र जो है वो वैसा ही ना हो जाए जैसा कि सचिन के साथ हुआ? नहीं देखिए, इस स्तर के जो नेता होते हैं उनके पास हमेशा एक प्लान बी होता है कि अगर ये नहीं मिला तो इससे कम क्या मिल सकता है। जो अभय जी कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्या मिल सकता है, ये उनको कोई आश्वासन दिया गया होगा या उनके मन में भी होगा। ऐसा नहीं कि डीके शिवकुमार को पता नहीं है कि इस दौड़ में वो थोड़ा कमजोर है सिद्धरमैया की तुलना में। अगर कोई और होता तो शायद उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होती। तो ऐसे में उनके पास एक प्लान बी होगा। देखिए, उनके सामने दो विकल्प, या तो विद्रोह करें जो वो करना नहीं चाहते, जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब 2019 में बीजेपी उनको डीएम डिप्टी सीएम ऑफर कर रही थी तब नहीं गए, जेल जाना स्वीकार किया, तो अब वो पार्टी से बगावत करेंगे ऐसा लगता नहीं। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कम से कम आज की परिस्थिति में ऐसा लगता नहीं। तो जो कॉम्प्रोमाइज होगा उसका मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए, क्योंकि इस समय सिद्धरमैया एक दबाव में होंगे कि डीके शिवकुमार ने आखिरकार हमको स्वीकार कर लिया नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो भी कंसेशन देने की मनस्थिति में होंगे। और पार्टी हाईकमान को भी लग रहा होगा इनको संतुष्ट करना जरूरी है अगर सरकार को निर्विघ्न तरीके से 5 साल चलाना है। तो अब वो सवाल ये है कि डीके शिवकुमार के मन में मुख्यमंत्री पद के अलावा क्या है, या बल्कि कहें क्या क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि किस तरह का समझौता होता है, किस तरह की बातें सामने आती है। कांग्रेस का वो नेता जिसने बीजेपी का ऑफर उप मुख्यमंत्री का ठुकरा दिया था और कांग्रेस में रहना ही उसने मुनासिब समझा, वो आज मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन वो कुर्सी उसके पास तक पहुंचेगी या नहीं। मेरे सहयोगी जेपी बैंगलोर से हैं, लगातार आज डीके शिवकुमार के साथ रहे, उनके आवास पर रहे, वहां जो कुछ भी होता रहा उसको करीब से देखते रहे। जेपी, डीके शिवकुमार आज बैंगलोर से दिल्ली नहीं आए कहते हुए कि हमारा इन्फेक्शन है, मैं आ नहीं सकता हूँ। वहाँ मैंने एक वीडियो भी देखा कि वो उनके ब्लड प्रेशर की जाँच डॉक्टर्स कर रहे हैं, तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है शायद। डीके शिवकुमार ने अपने भीतर क्या उम्मीद बांध रखी है और दिल्ली नहीं आने का कारण क्या माना जाए? आला कमान के ऊपर उनके अपनी तरफ से दबाव, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ बेहतर सोचा जाए और समझौता जो है वो जब तक ठीक ना हो जाए, उनके हक में भी कुछ चीज़ें ना आ जाएं, तब तक दिल्ली जाना मुनासिब नहीं, क्या है स्थिति? जी सर, इसमें 2-3 लेयर्स हैं सर इस स्टोरी में। पहला ये है कि जो सुबह सुबह एक इंटरव्यू में सिद्धरामैया ने खुल के बोला कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुआ है, इसमें 80 वोट मुझे मिले हैं और सारे विधायक चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको सीएम बना देते हैं क्या डीके शिवकुमार आपके समर्थन में आएंगे, तो उन्होंने बोला कि ज़रूर आएंगे, बाकी सब जो हैं उम्मीदवार 3-4 जो हैं वो दलित हो या लिंगायत हो वो भी समर्थन करेंगे। जब प्रश्न ये पूछा गया कि अगर डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाए तो आप उनको कोऑपरेट करेंगे कि नहीं, तो ही सेड इसका सवाल ही नहीं उठता। ये एक डायरेक्ट मैसेज है हाईकमांड को, सिद्धरामैया ने एक इंटरव्यू में आज बेंगलोर में करके उसके बाद फ्लाइट लेके निकले दिल्ली। तो एक तरह से मैसेज ये है कि ही इज़ नॉट रेडी टू स्टेप डाउन, ही इज़ नॉट ओपन फॉर एनी नेगोशिएशन। उसके बाद में हमने देखा आज, हालांकि डीके शिवकुमार का जन्मदिन था, सुबह से वो लगातार मठ के जो स्वामी जी उनका आशीर्वाद लेने और सीनियर लीडर सब का आशीर्वाद लेने, फैमिली फंक्शंस, प्रोग्राम, हवन, पूजा सब था, इसमें बिजी थे। दोपहर तक एक फ्लाइट आके खड़ी थी बेंगलुरु एयरपोर्ट में, मुंबई से एक प्राइवेट जेट था 10-सीटर का, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद में 4 बजे का एक फ्लाइट था वो भी कैंसिल कर दिया, 7:30 बजे का एक फ्लाइट था वो भी कैंसिल कर दिया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनमें एक रिजॉल्व आ गया है कि अगर कोई इनको जो अपेक्षा है वो फुलफिल करेंगे तो वो सोनिया गांधी ही है। दिल्ली में बैठ के सिद्धरामैया और उनके सहयोगी जो क्लोज एड्स बोलते हैं, के जे जॉर्ज हो, बैरती सुरेश हो, अन्य सारे 4-5 नेता उनके साथ में प्राइवेट जेट में गए आज दोपहर को, वहाँ पे बैठे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुआ, एएसीसी में भी माहौल बना हुआ है। जब मैं इन सूत्रों से बात किया और डीके सुरेश जो डीके शिवकुमार के भाई हैं, सांसद भी है रामनगर से, वो भी हैं दिल्ली में, उनके तरफ से ये खबर आया कि बैलेट बॉक्स अभी तक खोला ही नहीं गया, और जब ये बैलेट बॉक्स काउंट ही नहीं हुआ तो स्टोरीज ये कब कहाँ से आ रहे हैं?
तब जाके उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन शुरू किया और स्पष्ट रीत से उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मेरे पास 135 एमएलएज हैं, मैं कोई कैंप को बिलोंग नहीं करता हूं और ये साफ साफ है कि हाईकमांड को हमने रेजोल्यूशन सिंगल लाइन करके दिया है यहां से कल कि हाईकमांड एसीसी प्रेसिडेंट शुड टेक द डिसीजन। जब सोनिया गांधी शिमला में है और कल आ रही हैं, यहाँ पे एसीसी में कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो इन सब को नकारते हुए इन्होंने क्लैरिफिकेशन अभी भी दिया कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, बीपी शूट अप हुआ है, स्टमक इन्फेक्शन है, मुझे भी रेस्ट चाहिए, 4-5 घंटे का रेस्ट लूँगा, उसके बाद मैं कल अगर मेरा तबीयत ठीक है तो मैं दिल्ली चला जाऊँगा। ये नहीं कि मैं कुछ ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं कभी भी ब्लैकमेल नहीं करूँगा, क्योंकि जब मुझे ऑफर था बीजेपी से पार्टी छोड़ के उनके यहाँ जाने के लिए। अब भाई जी, अब आपने जेपी को सुन लिया, दो तीन बातें। एक, कांग्रेस में क्या, चूंकि सिद्धरमैया कद बहुत बड़ा है, जनधार के बहुत बड़े नेता हैं, 76 साल के हो भी गए हैं, लेकिन एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि हमने ये कह दिया कि जब सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हुई फिर भी हम कहते हैं कि 80 लोग मेरे पास हैं, आपको कैसे पता, यहाँ बैलेट खुले नहीं, यहाँ बक्सा खुला नहीं, तो फिर आपको कैसे पता, अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे सवाल ही नहीं उठता है। तो यह पॉलिटिक्स में इस अप्रोच को किस तरीके से लिया जाओगे सिद्धरमैया जैसे नेता के जरिए? देखिए, मुझे जानकारी मिली थी, जानकारी क्या मिली थी, उड़ते उड़ते सूत्रों से बात पता चली थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई कांग्रेस आला कमान के भीतर से मुझे कोई जानकारी मिली हो। डीके शिवकुमार से यह कहा गया है कि उनके पास अभी समय है और उनका समय कभी भी आ सकता है, उनका समय 2 साल बाद भी आ सकता है, 3 साल बाद भी आ सकता है और अगले चुनाव में भी आ सकता है, केंद्र में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ही पहले से, वो जो कि अपने आप में एक सर्वोच्च पद है। लेकिन सिद्धरमैया की स्थिति यह है कि राजनीति के वो बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और उन्होंने ये कह भी दिया है कि हम इसके बाद में चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं सिद्धरमैया का जो कोई सवाल ही नहीं उठता वाला वक्तव्य है वो इसी रूप में देखता हूँ कि उनको आलाकमान से कहा गया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उन्होंने आलाकमान से भी कहा है और सबसे भी कहा है कि ये मेरा आखिरी राजनीति में मेरा आखिरी मुकाम होगा, इसके बाद मैं सक्रिय राजनीति से हट जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से इन वक्तव्यों को इस तरीके से देखना चाहिए। जहाँ तक सचिन पायलट से डी के शिवकुमार की तुलना का सवाल है और राजस्थान की स्थिति से उनकी तुलना, कर्नाटक की स्थिति की तुलना का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो सही तुलना है। सचिन पायलट जब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और तो उन्होंने टिकट बांटे थे जिसमें कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई, तो मैं मानता हूँ कम से कम 40-50 लोगों को तो अपने लोगों को टिकट दिए ही होंगे और उनमें से बहुत से विधायक भी चुने गए होंगे। लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों है, उनके साथ कोई भी विधायक नहीं है सचिन, और सचिन पायलट की धीरे धीरे राजस्थान कांग्रेस में लगातार उनकी जो संगठन में उनके रुतबे का लगातार क्षय होता गया है विभिन्न कारणों से, जिनमें उनका अपना आचरण भी शामिल है, जबकि कर्नाटक में डीके शिवकुमार की ऐसी स्थिति नहीं है। तो बिल्कुल परिस्थितियां दोनों की अलग अलग हैं और दोनों की आपस में तुलना नहीं किया। हमारे जो दोनों मेहमान हैं, चूंकि आप दोनों की राजनीति की समझ बहुत बारीक है, दोनों की राय ये है कि सिद्धरमैया को ही कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेगा, डीके शिवकुमार को इस बात के लिए मना लिया जाएगा कि आपके पास समय है और मौके आपके लिए आगे भी आएंगे। अब डीके शिवकुमार के साथ किस तरह का समीकरण बनता है और उनको कितना फ़ायदा पार्टी आलाकमान पहुंचा सकता है जहां वो आकर के संतुष्ट हो जाएं, यह बात बस रह गई है। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल ये है कि कहा यह जाता है कि कर्नाटक के इस चुनाव के ज़रिए कांग्रेस ने अपने भीतर एक आत्मविश्वास भरा है, उसमें एक उम्मीद जगी है, एकजुट होकर के पार्टी के नेता अगर किसी राज्य में लड़ते हैं तो वो फिर इस तरह के नतीजे में तब्दील हो सकता है। यह बात क्या आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के लिहाज से आप देख पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, कोई भी पार्टी अगर कोई ऐसा चुनाव जीतती है जो बड़े कड़े संघर्ष में हो, अगर क्रिकेट की एनालॉजी मुझे देनी हो कि कोई टीम अगर बहुत मजबूत टीम से जीत कर आती है तो उसका हौसला, उसका उत्साह वो ज्यादा होता है, उसका आत्मविश्वास ये सब बढ़ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक की जीत, मेरा मानना है कि कम से कम जो 5 राज्यों के चुनाव इस साल के आखिर में होने वाले हैं उसके लिए संजीवनी बूटी की तरह से उनको लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। हारते हारते लगने लगा था कि शायद हम अब जीतने की हालत में रह ही नहीं गए,
लेकिन कर्नाटक की जीत ने उनको बताया कि चुनाव अगर हम ठीक से लड़े, रणनीति ठीक बनाए, हमारे पास अगर जो है स्थानीय स्तर पर यानी राज्य के स्तर पर नेतृत्व मजबूत हो, हमारी नीतियां ऐसी हो, हमारी बातों की विश्वसनीयता हो, तो फिर हमारे लिए जीतना कोई असंभव बात नहीं है, हम जीत सकते हैं और बीजेपी को या जो भी हमारे सामने हो उसको हराने की हालत में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कर्नाटक की जीत से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिली है। जी मैं जेपी को जोड़ना चाहता हूँ। जेपी आपने सुन लिया है और आप दोनों मेहमानों का ये कहना है कि डीके शिवकुमार वैसे नहीं है कि पार्टी में जाकर के पार्टी खिलाफ बगावत करेंगे। वो ना तो हेमंत विश्व शर्मा हैं और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। डीके शिवकुमार को आप लगातार समझते जानते रहे हैं और वहाँ उनसे आपकी चूंकि बनती भी अच्छी है। अगर सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री कुर्सी दे दी जाती है तो डीके शिवकुमार का कदम क्या हो सकता है? सर ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हमने भी ये सवाल कई बार पूछा है और वो कहते हैं कि उनको पूर्ण विश्वास है हाईकमांड के ऊपर, स्पेशली गांधी फैमिली के ऊपर। उन्होंने एक एनेक्डोट भी दिया कि ये जब 2021 में जब शपथ किया केपीसीसी प्रदेश का, उन्होंने एक स्पीच दिया था कि आई एम डेडिकेटिंग माई सेल्फ टू द पार्टी, आप मुझे हाथ की तरह यूज़ कर लो, दिमाग यूज़ कर लो, आँखों की तरह यूज़ कर लो, जबान की तरह यूज़ कर लो, चप्पल की तरह यूज़ कर लो, पानी की तरह यूज़ कर लो, लेकिन यूज़ करो क्योंकि हमको वापस आना है। 2021 में इट वॉज फ्रेश आउट ऑफ डिबैकल पार्लियामेंट्री इलेक्शन का और दिनेश कुंडराव और सिद्धरामैया दोनों रेजिग्नेशन दे चुके थे और पार्टी पूरी नोजदाई हो चुकी थी क्योंकि देवर फ्रेश आउट ऑफ कोलैप्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो तब से उन्होंने संभाला है और ये भी हमसे उन्होंने कहा कि जब इंट्रैक्शन हुआ करता था डीके शिवकुमार से कि मैं यूथ कांग्रेस NSUI से आया हूँ, जो कुछ भी हूँ पार्टी से ही हूँ, जो कुछ भी हूँ गांधी फैमिली से ही हूँ, तो वो जो कुछ भी न्याय करेंगे मुझे मैं उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं राजकीय संन्यास नहीं हूँ, मुझमें भी एम्बिशन है, मैंने अपना 3 साल लगातार रोज़ 17-18 घंटा काम किया है और उसके लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पार्टी उसका पुरस्कार उनको मिल जाए। जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत कामयाबी में तब्दील होती है तो आप चाहते हैं कि उसका इनाम भी आपको मिले। डीके शिवकुमार शायद यही उम्मीद कर रहे हैं। हमारे मेहमानों ने कहा कि डीके शिवकुमार को मन माफी कोई चीज़ दे दी जाए मुख्यमंत्री कुर्सी के अलावा तो बात बन सकती है और यहीं बातचीत चल भी रही होगी। अब कहते हैं कि बाजी जब हाथ से निकल जाए उसके बाद भी वो बाजी पूरी तरीके से निकल गई हो ऐसा होता नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी और JP आपका भी। तो अरसत में आज इतना ही, मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।